हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, वेलकम बैक टू स्वादों सेहत। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो है बघारा बैंगन। आमतौर पर जब हम घर में बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो सबको कम ही पसंद आती है, लेकिन अगर इस तरीके से बैंगन की सब्जी बनाई जाएगी तो सबको बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं, हमारी आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो बैंगन को मैंने धोकर साफ कर लिया है और बैंगन का जो क्राउन है उसको थोड़ा सा काट देंगे और ऊपर से इसका डंठल भी आधा कट कर लेंगे। और देखिए, बैंगन में इस तरीके से लंबाई में हमें दो चीरे लगाने हैं। तो सभी बैंगन मैंने साफ़ कर लिए हैं, चीरे लगा लिए हैं और अब मैंने कढ़ाई में 1 गिलास के आसपास तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो बैंगन इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो बैंगन है इसको हमें लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि जो बैंगन है एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया है, बैंगन को अब निकाल लेते हैं। अब मैं एक पैन में लगभग 3 चम्मच मूंगफली के दाने ले रही हूँ, 2 इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ऐड की है मैंने और साथ ही 2 चम्मच खसखस डाली है मैंने इसके अंदर, 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है। जो गट आता है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपके पास में खसखस और नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मूंगफली की जो क्वांटिटी है उसको आप डबल कर दीजिए अगर आपके पास में नारियल खसखस अवेलेबल नहीं है तो। और इसको लगभग 1 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। तो जैसे जैसे आप इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा नारियल जो है उसमें से तेल निकलने लगेगा। तो यहाँ देखिए, आप नारियल में से तेल निकलने लग गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है सारी सामग्री को। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट फॉर्म में हमें पीसना है। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक इसको पेस्ट मैंने बना लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही 1 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे, 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे थोड़े से करी लीव्स ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अब ये जो प्याज है इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। तो प्याज पक चुका है, अब इसके अंदर हमें 1 टमाटर की प्योरे बना करके ऐड करनी है। और टमाटर की प्योरे ऐड करने के बाद ही इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो भी हमें ऐड करने हैं। तो मैं इसके अंदर 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। बाकी जो मसाले हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सभी मसालों को मिक्स कर देंगे और अब इसे लगभग हमें 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है मसाले को। तो देखिए, मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने मूंगफली, कोकोनट और खसखस का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको मसाले के अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर देंगे क्योंकि अभी ये जो ग्रेवी है काफ़ी थिक है। तो 2-3 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अगर आप ग्रेवी थोड़ी सी और पतली चाहते हैं तो थोड़ा पानी और ऐड कर लें। अभी जो ग्रेवी है इसके अंदर हमें एक उबाल आने देना अच्छे से। तो यहाँ देखिए, ग्रेवी में बिल्कुल अच्छा उबाल आना शुरू हो गया है। तो जो बैंगन हमने फ्राई किए थे वो अब इस स्टेज पर हमें इसके अंदर डाल देने हैं। और बैंगन को अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा करके लगभग 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमें पकाना है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2-3 मिनट इसको पका लिया था और ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी और थिक हो गई है। और अब ये जो हमारा बघारा बैंगन है ये बन करके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और गर्मा गर्म ये जो बघारा बैंगन है इसको हम चपाती के साथ में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, सबको घर में बहुत पसंद आएगी। तो ये फ्रेंड्स आज की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ में इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी कुकिंग।